नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ पंडित प्रेम सागर पांडे। हम बात करेंगे आज आपके राशिफल के बारे में, यानी कि 27 जुलाई 2019 के राशिफल के बारे में आज बताने का प्रयास करेंगे आपको कि आपका आज दिन कैसा रहेगा, आपके सितारे क्या कहते हैं, आपका कैसा चलेगा व्यापार, कैसे मिलेगी आपकी कैरियर को रान और किसे मिलेगा धन अपार। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आज आपके राशिफल के बारे में और शुरुआत प्रथम करते हैं, प्रारंभ करते हैं मेष राशि की तरफ। मेष राशि वाले, कुछ ऐसी घटनाएं आपकी परेशानी का कारण आज तो बन सकती है जिन्हें टालना मुमकिन न हो, लेकिन आप खुद को शांत बनाकर रखें और आदत तन अपने हालात से निपटने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया न करें। दिन चढ़ने व वित्तीय तौर पर सुधार तो आएगा, माने दिन के मध्यकाल के बाद आपके वित्तीय तौर पर जो है आर्थिक सुधार आएगी। घरेलू मामले और काफी समय से लंबित घर के काम काज आदि के हिसाब से यह अच्छा दिन है। अपने प्रिय की छोटी मोटी भूल को अनदेखा करें। खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए यह आज का दिन अच्छा होगा। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है, जहां दिल की बजाय दिमाग का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करें। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन को बेहतरीन याद में रचें। आज आपका शुभ रंग केसरी होगा और भाग्यांश 8 होगा। तो चलिए आते हैं अब वृक राशि की तरफ। आज आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय है। कुछ खरीदारी से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें और जो पहले आपके पास हैं। जीवन साथी आपको धूम्रपान की लत से थोड़ा छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करने के मूड में है। आपकी बुरी आदतें छोड़ने के लिए भी बढ़िया यह समय साबित हो सकता है, क्योंकि जब लोहा थोड़ा गर्म हो तभी वार किया जाता है। अगर आज आप हुक में चलाने की कोशिश करेंगे तो आपके और आपके प्रिय के बीच काफी थोड़ा परेशानी खड़ा हो सकती है। आज के दिन आपके लिए ध्यान का केंद्र है और सफलता और आपकी पहुंच में होगी। जल्दबाजी में फैसले न करें ताकि जिंदगी में आगे आपको कोई पछताना पड़े। चीजें आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेगी, लेकिन अपने हमदम के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे। आपका शुभ रंग केसरी है और भाग्यांश 8 है। आते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वाले, आज आपका ऊर्जा से लबरेज तो होंगे। आप जो भी करेंगे उसे आप अपने उसे आधे वक्त में ही कर देंगे। जितना वक्त आप अक्षर लेते हैं आज के दिन निवेश करने से थोड़ा सा बचें। आपके जीवन साथी की सेहत चिंता का भी सबक बन सकता है और उसे चिकित्सीय देखरेख की भी जरूरत हो सकती है। रोमांस का थोड़ा मौसम है, लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखें, नहीं तो रिश्ते में खटास भी पैदा हो सकती है। साझेदारी वाली जो काम है किए गए हैं आखिरकार वह फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं, लेकिन अपने भागीदारों से काफी विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। दिक्कतों का जो तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आपको खासा पहचान भी दिलाएगी। अपने जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जीवन साथी थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपका शुभ रंग हरा है और भाग्यांश 6 है। आते हैं कर्क राशि वालों की तरफ। कर्क राशि वाले, ध्यान से सुकून मिलेगा, ध्यान करने से सुकून मिल सकता है। अतिरिक्त आय के लिए आपको सृजनात्मक विचारों का सहारा ले। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है, जिसमें युवा लोग जुड़े हों। नए प्रेम संबंधों के बनाने की संभावना भी ठोस है, लेकिन व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी को उजागर करने से थोड़ा बचे। सहकर्मियों और वरिष्ठों के पूरे सहयोग के चलते दफ्तर में काम तेज रफ्तार पकड़ ले सकता है। आप उन लोगों की तरफ से वादे का हाथ बढ़ाएं जो आपसे मदद की गुहार करते हैं। आपका प्यार और आपका जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा भी दे सकता है। आपका शुभ रंग पीला है और भाग्यांश 9 है। चले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ।
सिंह राशि वाले जो है ना, सेहत की देखभाल की खास आपकी जरूरत आज है। दिन बहुत ही लाभदायक नहीं है, इसलिए आपकी जेब पर भी अपना नजर जरूर बनाएं, ज्यादा खर्च करने से बचें। दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ शाम का आयोजन में शिरकत करें, अपनी तरफ से सबसे बेहतर तरीके से बर्ताव बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि आज आपका प्रिय जल्द ही नाराज हो सकता है। आप कामयाबी जरूर हासिल करेंगे, बस एक एक करके महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूले। अपनी भागदौड़ भरी दिनचर्या जो है, उसके कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन भी है। आपका शुभ रंग केसरी है और भाग्यांश 8 है। आते हैं कन्या राशि की तरफ। पुरानी परियोजनाओं की सफलता आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। जरूरत से ज्यादा खर्च करने और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से थोड़ा बचें। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगा। आज के दिन खूबसूरत दिन, प्रेम प्रसंगों के में अपनी सभी शिकायतें गायब हो जाएगी। आज का दिन समझ बूझ कर कदम उठाने का है, इसलिए तब तक अपने विचार वक्त न करें जब तक कि आप उसकी सफलता के लिए अस्वस्थ न हो जाए। यात्रा करना फायदेमंद साबित होगा, लेकिन महंगी भी साबित होगी। आपके जीवन साथी किसी खूबसूरत सरप्राइज से आपके दिन को आज खुशनुमा बना सकता है। आपका शुभ रंग हरा है और भाग्यांश 6 है। आते हैं तुला राशि की तरफ। अपनी सेहत के बारे में तुला राशि वाले थोड़ा सा जरूर से ज्यादा चिंता न करें। निश्चिंतता बीमारी का सबसे बड़ी ही दवा है। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहेगा। आज आपकी आसानी से पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज भी वापस आपको आज मिल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, या किसी नई परियोजनाओं पर लगाने के लिए धन अर्जन भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताना खास होगा। आपकी आंखें इतनी चमकीली है कि वे आपके प्रिय को अंधेरी रात में भी रोशन कर सकती है। आज आपको लगता है कि आप दूसरे की मदद के बिना महत्वपूर्ण कामों को कर सकते हैं, तो आपकी सोच काफी गलत साबित होगी। लंबे वक्त से लटकी हुई दिक्कतों को जल्द ही हल करने की जरूरत है, और आप जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी, इसलिए सकारात्मक सोच और आज से ही प्रयास करें, शुरू कर दें। आप शादीशुदा जिंदगी में अगर हैं तो उनसे जुड़े चुटकीले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिला थोड़ा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, लेकिन आज आप जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई भारी चीजें आपके सामने आएगी तो आप भावुक हुए बिना भी नहीं रह सकते हैं। आपका शुभ रंग पिंक है और भाग्यांश 8 है। चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। आप वृश्चिक राशि वाले, आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा, सुगंधित होगा, है ना, जो सबको आकर्षित करेगा। आर्थिक तौर पर सुधार भी आज तय है। कामकाज की में जरूरत से ज्यादा तनाव के चलते परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को दरकिनार न करें। रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम असर नहीं दिखाने वाले हैं। कामकाज के मोर्चे पर आपकी कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि में आपको नई जानकारियां और तथ्य भी मुहैया कराएंगे। जन्मदिन भूलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर आपको जीवन साथी से तकरार भी मुमकिन है, लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। आपका शुभ रंग लाल है और भाग्यांश 1 है। अब आते हैं धनुराशि की तरफ। आप धनुराशि वाले, आपके हंसी मजाक का लहजा किसी दूसरे को आपकी तरह इस क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। आप उनसे यह सबक मिलेगा कि जिंदगी की खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के भीतर ही है। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद हो सकता है। आज आपकी दूसरों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि बच्चों की ज्यादातर छूट देना भी आपकी समस्या खड़ी कर सकती है। अपने प्रिय की गैर मौजूदगी में आप खुद को बिल्कुल खाली महसूस करेंगे। मातहत और सहकर्मियों का रुख बहुत मददगार साबित हो सकता है। कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई बड़ा आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है। आज आपके जीवन साथी का वह रुख देखने को मिलेगा
जो उतना अच्छा नहीं है, अर्थात थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन सकती है। आपका शुभ रंग गुलाबी है और भाग्यांश साथ है। चले चलते हैं मकर राशि की तरफ। आपके दिन की शुरुआत कसरत से करें, जो है अपने व्यायाम आदि है ना योग के द्वारा शुरुआत करें। यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। इससे अपने दिनचर्या में शामिल भी करें और नियमित रखने की भी कोशिश करें। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है और धार्मिक हालात जो है या जो माहौल है वह ठीक होंगे, आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। कुछ लोग आपकी झंझलाहट की वजह बन सकते हैं, उन्हें नज़रअंदाज न करें। अपने प्रिय को नज़रअंदाज करना घर पर तनाव का कारण भी बन सकता है। अपने उद्देश्यों की है ना और शांति से बढ़ते रहे और सफलता मिलने से पहले अपने पत्ते न खोले। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज भी साथ रखना न भूलें। किसी पड़ोसी दोस्त या रिश्तेदार की वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ा अनबन भी मुमकिन है। कुंभ राशि, हाँ आपका शुभ रंग क्रीम है और भाग्यांश साथ है। कुंभ राशि की तरफ आते हैं, आपका आकर्षक बर्ताव दूसरे को ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। पैसे अचानक आपके पास आएंगे भी और जो आपके खर्चे और बिल आदि हैं उन्हें संभाल लेगा, जो मैंने उतना आपको पारिवारिक सदस्य और दोस्तों के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की ओर आप है ना की संभावना है। करियर के नजरिए से शुरू किया गया सफर कारगर होंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने माता पिता की इजाजत जरूरी ले ले, नहीं तो बाद में आपत्ति कर सकते हैं। आपके हंसने हंसाने और अंदाज आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकती है। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ था। आपका शुभ रंग पिंक है और भाग्यांश 5 है। आते हैं मीन राशि की तरफ। में आज का 12 राशि में जो अंतिम जो मीन राशि जो है उसके बारे में जानते हैं। मीन राशि वाले जीवन साथी खुशी की वजह साबित आज तो दिख रहे हैं। जेवर और एंटिक में निवेश फायदेमंद आज आपका हो सकता है और यह समृद्धि लेकर आएगा। आपकी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। अपने प्रिय के स्थिर बर्ताव आज आपको रोमांस को बिगाड़ भी सकता है। कुछ लोगों को विदेश से कोई खास खबर या व्यवसायिक प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। चिट्ठी पत्री में सावधानी बरतने की जरूरत है। क्रॉस मंडलेशन आदि जो करते हैं उसमें सावधानी बरते। जीवन साथी की वजह से आपको अपने ढंग से बाहर जाना पड़ सकता है और जो बाद में आपकी झुंझलाहट की भी वजह बनेगा। आपका शुभ रंग उजला है और भाग्यांश 3 है। तो ये आज आपकी रही 12 राशियों का राशिफल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।